वो हमारे ये मस्जिद में कभी कभी पंखों का मसला होता ही रहता है इदारों में, इत्तेफाक से नजदीक नजदीक दिनों में दो तीन पंखे गिर गए। हमारे साथी अहबाब जो हमारे साथ काम हुए हैं फिक्रमंद होते हैं, वो मुझे कहने लगे नए पंखे मंगवाए जाए, रहा ये तो नमाजी शहीद हो जाएंगे, तालिब इल्म शहीद हो जाएंगे। मैंने एक दोस्त को फोन किया, ये मुर्दार दिन मुकरर हो गया था, ये इतवार बेईमान दिन, मुझे पता नहीं था कि ये इस दिन सोते हैं, ये सब इस शरीर जो सलाहों में बंधा हुआ है और पंजाब से उनका सफाया हो रहा है, ये जुमे का जोर देखो जरा, इमरान कौन है और उन जैसे 50,000 और आ जाए, कौन किसी को ऐसा बेइज्जत कर सकता है, ये आसमानों से फैसला है, आसमानों से फैसला है। तो मैंने फोन किया, मुझे पता नहीं था कि ये इनकी नींद का वक्त है, हेलो हेलो खैरियत ठीक हो, मर तो नहीं रहे? कहा नहीं मर तो नहीं रहो, लेकिन आप सोने भी तो नहीं दे रहे। मैंने कहा ये सोने का वक्त है, हाँ एक दिन मिलता है हफ्ते में, क्या काम है? मैंने कहा 100 पंखे चाहिए। कहने लगे 100 से काम नहीं चला, 1,000 पंखे बुक कराने होंगे आपको, 1,000 पंखे, मेरी कीमती शीरीन लजीज नींद आपने बर्बाद की। मैंने कहा हमें उतना कहना है जितना इजाजत हो, हम तेरे 1,000 के पाबंद नहीं। तो कहने लगे मुझे सवाब कितने का मिलेगा? मैंने कहा तुझे तो 1,000 का मिलेगा। हा छुट्टी का दिन कीमती हो गया, मुफ्ती साहब का टप्पा लग रहा है, शाबाश। देखो कैसे होशियार लोग, एक मुफ्ती फूट पर मान रहा है कि मेरी नियत तो 1,000, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमल। ये लोग हैं जिनके दम से ये मदरसे कायम है, ये लोग हैं जिनकी वजह से हजारों तलबा ऐसे खाने खाते हैं जैसे वलीमे का खाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह या रब तेरा शुक्र, खुदा इनके खजानों में और बरकतें दे, या रब इनकी नस्ल दर नस्ल बादशाहत कायम दायम रखे। खुदाए हम फकीर और आजिजों की दुआओं में, तलबा की दुआओं दर्स में, नमाज और तिलावत में इन सबको शरीक फरमा। जो करना चाहते हैं और नहीं कर सकते, अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमा। ये काम है, सारे काम यही रह जाएंगे और ये चले जाएंगे साथ। सुभान अल्लाह।